अखंडता और एकता में उनका योगदान भारत देश की अमूल्य निधि है। ये वो संपदा है जिसको संभाल कर ही देश संपन्न और समृद्ध हो सका है। माननीय श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चलने वाली हमारी सरकार गांधी जी और गांधीवाद को केंद्र में रखकर कार्य कर रही है। छत्तीसगढ़ में गांधी जी के दो दौरे हुए थे। हम उनके दौरे से जुड़ी हर धरोहर को संजोने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के लिए बेहद गर्व की बात है कि आज़ादी के 75 वर्ष में स्वाधीनता संग्राम के मूल्यों, सिद्धांतों तथा महात्मा गांधी जी की आत्मनिर्भर गांधी जी और गांधीवाद को केंद्र में रखकर कार्य कर रही है। छत्तीसगढ़ में गांधी जी के दो दौरे हुए थे। हम उनके दौरे से जुड़ी हर धरोहर को संजोने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के लिए बेहद गर्व की बात है कि आज़ादी के 75 वर्ष में स्वाधीनता संग्राम के मूल्यों, सिद्धांतों तथा महात्मा गांधी जी की आत्मनिर्भर राम राज्य की संकल्पना को अक्षुण रखने एवं भावी पीढ़ी को इससे अवगत कराने के उद्देश्य से वर्धा के सेवाग्राम की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में नवा रायपुर सेवाग्राम की स्थापना करने का प्रोजेक्ट हमने बनाया है। 21वीं सदी का यह सेवाग्राम सत्य, सादगी, सरलता, एकता, आत्मनिर्भरता एवं शिक्षा का प्रतीक होगा। इसमें वर्ष 1857 की क्रांति से लेकर आज़ादी वर्ष 1947 तक राष्ट्र निर्माण की विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाया जाएगा। नवा रायपुर सेवाग्राम छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति एवं आदिवासी परंपराओं को संजोए रखने के साथ साथ विचारों को कला, शिक्षा एवं संवाद के माध्यम से आदान प्रदान करने एक महत्वपूर्ण केंद्र होगा। यहाँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने, कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर गांधी जी की आत्मनिर्भर ग्राम की संकल्पना को साकार किया जाएगा। नवा रायपुर सेवा ग्राम में विभिन्न गांधीवादियों के समाज एवं देश में अब तक के उनके योगदान तथा आदर्शों को भी प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ी को गांधी जी के आदर्शों एवं मूल्यों से अवगत कराते हुए उन्हें प्रेरित किया जा सके। नवा रायपुर सेवा ग्राम लगभग 77 एकड़ क्षेत्र में प्रस्तावित है, जो सघन वृक्षों एवं छोटी छोटी प्राकृतिक जलधाराओं से घिरा हुआ है। प्राकृतिक स्वरूप को यथावत रखते हुए सेवाग्राम का निर्माण किया जाएगा, जिसमें राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया दर्शाने, स्वतंत्रता पथ के साथ साथ समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के लिए दार्शनिक केंद्र, बायोडाइवर्सिटी पार्क, गांधी विचार केंद्र, आदिवासी कला केंद्र, संग्रहालय, वृद्धाश्रम आदि होंगे। आज यह हम सभी के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि श्री राहुल गांधी जी स्वयं नवा रायपुर सेवा ग्राम के भूमि पूजन के कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी की भी प्रशंसा करना चाहता हूं, जिन्होंने गांधीवाद के आधार पर एक बेहतर शासन छत्तीसगढ़ में कायम किया है। मुझे पूरी आशा है कि नवा रायपुर सेवा ग्राम आगे चलकर देश में वैसा ही मान्य और प्रेरणा स्थल बनेगा जैसा वर्धा का सेवा ग्राम है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद। जय हिंद। जय छत्तीसगढ़।